टा एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे हैं किस किस्म की रिसर्च मेथडोलॉजी यानी तरीके और प्रोसीजर रिसर्च करने के क्रॉस कल्चरल में इस्तेमाल हो रहे हैं और साइकोलॉजी के जो और फील्ड हैं उनमें भी हो रहे हैं क्योंकि क्रॉस कल्चरल एक अप्रोच है कोई एक फील्ड नहीं हर फील्ड में आप किसी भी मौजूद टॉपिक बिहेवियर मेंटल फैकल्टी पे कल्चर्स को कंपेयर कर लेते हैं तो वो क्रॉस कल्चरल हो जाती है क्रॉस कल्चरल में ये जो मेटा एनालिसिस है आप मेटा से मुराद बिग एज यू अंडरस्टैंड बिगर सर्कल एंड लार्जर देन अदर इंक्लूडिंग स्मॉलर पार्ट एनालिसिस जब मेटा एनालिसिस कहते हैं तो एक टेक्निक होती है साइकोलॉजी में जिसे सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू ही की एक तरह से टेक्निक है सिस्टमेटिक रिव्यू ये होता है कि किसी भी एक मौजू पे किसी बिहेवियर पे किसी मेंटल फैकल्टी पे जैसे इंटेलिजेंस है या कॉग्निटिव एबिलिटी है या इमोशंस हैं उन पे जितनी स्टडीज़ हुई हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनका जायजा लेके उसमें से जो अलग अलग नतीजा निकाला है उसको आप एक नतीजा उन सबको देख के निकालते हैं दो हज़ार स्टडीज़ हैं दो सौ स्टडीज़ हैं जितनी भी हैं अब उसमें ये है कि ये इसके लिए बड़ा प्लान किया जाता है प्लान से मुराद ये कि एक बड़ी अच्छी सोच के साथ एक पर्पज़ के साथ एक ख़ास एंगल से कि हमने इसको इकट्ठा करने के लिए सर्च कैसे करना है और क्या सर्च करना है सर्च में आपको वर्ड्स डालने होते हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग बिहेवियर अमंग चिल्ड्रन ठीक अब इसके ऊपर जितनी स्टडीज़ हैं वो तो निकल आएंगी और तमाम मुल्कों की निकल आएंगी तो ये एक तरह की प्लानिंग होती है और ये स्ट्रेटजी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे पास जितना उस मौजू पे काम हुआ है अगर तो वो वेब बेस्ड है कहीं रिपोर्टेड है जो कि आजकल अक्सर होता है तो वो आपको मिल जाएगा अगर आपने इसके हट के इंटरनेट स्पेस से आगे चलना है यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी ने कहीं डाली नहीं अपनी वेबसाइट पे या आपने किसी जर्नल में तो उसके लिए आपको डायरेक्टली लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके उनके अपने ही या उनके अपनी इंडेक्स को देखना पड़ता है वो भी ऑनलाइन हो गई हैं बहुत सी लेकिन बहुत सी जगहों पर ऑनलाइन नहीं है सिर्फ लाइब्रेरी में पाई जाती हैं ये मैं अपनी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का बता रही हूँ और कॉलेज़ की रिसर्च तो अक्सर इंडेक्स में डाल के एब्रैक्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं किए जाते अच्छा इस रिसर्च स्ट्रेटी का मकसद क्या है पहले आप आइडेंटिफाई करें यानी ढूंढें सर्च करें ये 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 स्टडी है ठीक उसके बाद इसको अप्रेज करें यानी इसको का जायज़ा लें और उसका अच्छी तरह जायजा लेके कर तजिया करके फिर उसमें से आप जो है सिंथेसिस करते हैं यानी उनको मुजतमा करते हैं उन्हें इकट्ठा करके और उसमें से एक नतीजा निकालते अक्सर सिस्टमेटिक रिव्यू जो है उनमें मेटा एनालिसिस शामिल होता है अब जो मेटा एनालिसिस है वो ज़्यादा स्टेटिस्टिकल बेस्ड है ये एक एडवांस स्टेटिस्टिक्स की टेक्निक है इसमें हर इंडिपेंडेंट स्टडी में जो भी स्टिस्टिकल वैल्यू आई हैं चाहे वो सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो कोई मीन वैल्यू है वो इफेक्ट साइज़ है अक्सर मेटा एनालिसिस में इफ़ेक्ट साइज डाला जाता है और अगर आपने 25 से लेके 55 तक स्टडीज़ जो हैं वो आपके हाथ में आ गई हैं तो फिर आप उनके उन्होंने क्या इफेक्ट साइज ये होता है कि जो दो सैंपल्स में कोई डिफरेंस था या को रिलेशन की कोई वैल्यू आई थी वो सिग्निफिकेंस में बहुत मिनिमल है या वो खास चीज ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उसको इफेक्ट साइज कहते हैं और वो डी के अंदाज में स्टैट्स में लिखा जाता है तो ये करके आप उसमें स्टेटिस्टिक से कंक्लूजन निकालते हैं इसमें बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल स्टडीज़ हों इसमें बहुत सारे हर स्टडी के सैंपल्स जो हैं उनको फिर एक एनालिटिकल टेक्निक है स्टैट्स की उसमें डाला जाता है इससे रिसर्चर्स को फ़ायदा ये होता है कि वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं तमाम लोगों की फाइंडिंग्स जो अलग अलग पड़ी हुई हैं उन्हें एक फिगर में एक टेबल में और एक एनालिसिस में इकट्ठा कर लेते हैं आपको ये मौका भी मिलता है कि आप लोगों ने क्या मेथड यूज़ किया उन्होंने क्या मेयर यूज़ किए और उन्होंने क्या सैम्पल यूज़ किए आपने कोई चीज़ हो सकता है बच्चों में देखिय हो किसी और ने वो एडल्ट में देखती हो औरतों में देखती हो एल्डरली में देखती हो तो ये एक बड़ी अच्छी कंपैरिजन हो जाता है आपको अपनी रिसर्च प्लान करने में भी मदद मिलती है इसमें ना स्टैटिस्टिकल जो है वो इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है बहुत सारी स्टडीज़ का जरूरी होना चाहिए और जब हम इस तरह देखते हैं तो वो चीज़ें नज़र आती हैं जो अलग अलग स्टडीज में नज़र नहीं आ रही होती ये एनालिसिस के एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस भी कहलाते हैं अब ये जो मैंने रेफ़रेंस दी हुई है वो एक स्टडी है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड है कि जो लीडर्स हैं उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उनकी जो uh, जज्बात के हवाले से ज़हानत है वो किस तरह उनके इदारे के लोगों पे और वहाँ के माहौल पे और बिहेवियर पे असरानंदाज हो रही है ये क्रॉस कल्चरल उन्होंने देखा है कि यही कि एक मुल्क में कैसे हो रही है ये टेबल है सिस्टमेटिक रिव्यू का और ये बच्चों के किसी बिहेवियर फैक्टर डेवलपमेंट को देखने के लिए उन्होंने उन फैक्टर्स की लिस्टिंग की है लेफ्ट पे और आप इसको देखेंगे कि 2005 से लेके 2011 तक की स्टडीज़ मैंने सिर्फ एक पेज़ का लिया है और उसमें फैमिली फैक्टर्स बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वामेंटल फैक्टर्स में उन्होंने तकसीम किया है और जो स्टडी जिस फैक्टर को स्टडी कर रही थी उसको उस जगह पे डाला है तो आमतौर तो पर इस तरह सिस्टमैटिक रिव्यू प्रेजेंट किया जाता है